मंत्री जी मंत्री जी आपको कल बजट पेश करना है अच्छा और नहीं तो क्या अरे तो आप इतने जल्दी बजट बनाएंगे कैसे अरे बजट में बना देता हूँ यूं फटाफट फास्ट पांच मिनट में हैं? जितनी देर में हमारे पांडे जी बीड़ी पीते हैं उतनी देर में तो मैं बजट बना लेता हूँ <laughs> आप ग्रेट है सर सर आप महान है सर सर मैंने तो सुना था कि बड़े बड़े मंत्रियों को महीनों महीनों लग जाते हैं बीड़ी पीने में बजट बनाने में ये टेबल पे पर्चियां रखी जी हुँ? इन पर्चियों में मैंने लिख दिया है किसी में कांदा किसी में लिख दिया दाल किसी में, में फेंकनी जो पर्ची जिस डब्बे में गिरी सर समझ गया अगर पर्ची महंगे में गिरी तो महंगा अगर पर्ची सस्ते में गिरी तो बजट सस्ता <laughs> लेकिन सर अगर पर्ची जमीन पे गिरी उसका क्या अगर जमीन पे पर्ची गिरी तो तुम्हारी नौकरी गई है? शुरू जाओ शुरू हो जाओ, जाओ। सस्ता महंगा में तो पब्लिक तैयार हो गया बजट 2011। थाउजेंड गुड मॉर्निंग मंत्री जी क्या चल रहा है शर्मा जी सर बस अब भगवान सुबह-सुबह झूठ ना बोलवाए <laughs> मंत्री जी आप आप बहुत महान हैं अच्छा आप बहुत ग्रेट हैं <laughs> ये हमारी फैमिली की लंदन ट्रिप का बिल ये मेरी तारीफ का बिल है या आपकी फैमिली की लंदन ट्रिप का बिल आ, आपकी तारीफ का आ, आ, मेरा मतलब है कि लंदन ट्रिप का <laughs> भाई मेरी तारीफ का टैरिफ तो बहुत हाई है आ मंत्री जी आप विषय भी बजट में एडजस्ट कर दीजिए ना शर्मा जी जी घूमे फिरे आपकी फैमिली <laughs> और बिल भरे जनता आप भी तो पार्लियामेंट की कंटीन में दो रुपए का इतना सारा बटर चिकन खाते हैं है? और आपकी गाड़ियों का जो काफिला जाता है उसका पेट्रोल जो फूकता है और आपके घरों में होने वाली शादियां उसका भी, भी तो जनता भरती है ना सर हाँ हाँ <laughs> <ये लिए। laughs> सर थैंक यू सर आप आप बहुत ग्रेट हैं सर आप बहुत दयालु हैं सर <laughs> क्या क्या अब क्या चाहिए <laughs> सर कुछ नहीं बस एक हमारे सुपुत्र के अब्रॉड स्टडी का बिल है छोटा सा सिर्फ बारह लाख का <laughs> आ, मंत्री जी आ, मंत्री जी हमको लगता है कि इस बार आप बजट बनाने में काफी व्यस्त हैं मैं क्या मेरा पूरा स्टाफ व्यस्त है अच्छा वो कैसे <laughs> अब देखिए शर्मा जी मेरे घर का बजट बना रहे हैं पांडे जी मेरी प्रॉपर्टी का बजट बना रहे हैं और पटेल साहब मेरी विदेश यात्रा का बजट बना रहे हैं आप क्या कर रहे हैं हम ही सारी बजट के स्पॉन्सर्स बना रहे हैं वो कैसे सरकारी बजट से अच्छा मंत्री जी ये बताइए कि आपको इस बार के बजट से क्या उम्मीदें हैं मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं जैसे जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरी और मेरे भाई की इंडस्ट्री से कम से कम पाँच हजार से दस हजार करोड़ का फायदा तो होगा ही सर इसका मतलब आप ये बजट अपने और अपने घर वालों के लिए बना रहे हैं पूछो शर्मा जी मंत्री जी हम ये बजट क्यों बनाते हैं भाई बजट बनाना बहुत जरूरी है एक तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि हमें इस साल अपने ऊपर खर्चा करने के लिए कितना पैसा मिलेगा और दूसरा जनता को क्लियर हो जाता है क्यों उन्हें इस साल हमारे ऊपर पैसा खर्च करने के लिए कितना पैसा देना है बहुत जरूरी है बजट लेकिन मंत्री जी इस बार बजट में क्या खास है इस बार बजट में बहुत बड़ा गिफ्ट है जनता के लिए हर बार जनता को क्यों बीच में डाल देते हमारे लिए जापान की कंपनी लंदन में बंगला मुझे गिफ्ट कर रही है <laughs> मंत्री जी एक बात बोले आप ना बहुत बड़े वाले मतलब बहुत ही बड़े वाले मेरा मतलब कि बहुत बड़े वाले शर्मा जी अपने काम, काम रखिए अब मंत्री जी एक बात बताइए अब ब्लैक मनी को तो विदेश से लाया जा सकता है लेकिन ये बंगले को कौन लाएगा और वैसे भी लंदन में इतने बड़े बंगले का आप करेंगे क्या डेविड बेखम को भाड़े पे दूंगा है